आसिफ अली जरदारी ने फोन किया, मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश की। शेर अफजल मरवत का दावा, कहा कल बानी पीटीआई से मिलकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। उनका दो टक मौकफ है कि मैंडेट चोरी करने वालों से हरगिज तावुन नहीं करेंगी। पीटीआई का हुकूमत ना बनने पर ऑपोजिशन लीडर के लिए बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ से राबते की तरदीद, कहा रात सब कुछ वाजे हो गया, फिर हम क्यों किसी से राबता करेंगे। पीटीआई की हुकूमत अब नहीं बननी, इसलिए ये बौखलाहट का शिकार हैं। ये कॉमेडी शो कराने में मशहूर हैं, ऐसे मजाहिया शो ना कराएं। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं करेगी, मुशावरत के बाद फैसला। तर्जुमान JUI कैसर शरीफ कहते हैं पीटीआई से इत्तेहाद पर मुशावरती अमल मुकम्मल हो गया था, उन्होंने यू टर्न ले लिया, अब वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहें मामला तय कर लें। नून लीग विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले की ख्वाहिशमंद, आए काबीना का हिस्सा बने पीपल्स पार्टी से हुकूमत में शामिल होने की फिर दरख्वास्त। JUI को भी हुकूमत साजी में शमूलियत की पेशकश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का अहम वजारतें अपने पास रखने का फैसला। इत्तेहादी जमातों से राबतों के लिए कमेटी भी कायम, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात, इत्तेहादियों से मामलात पर ब्रीफिंग थी। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। लीगी कायद 5 साल भरपूर सियासत करेंगे और विफाक और पंजाब हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज की वजाहत, कहा नवाज शरीफ अपनी तकारीर में वाजे कर चुके कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंतखाबी नतायज ना मंजूर, सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज जारी। कोयटा, लौरालई, हरनाई, खारान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। चमन में ANP का DC ऑफिस के बाहर छठे रोज भी धरना। सजावल कनकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में JUI भी सड़कों पर, मुजाहरीन का दोबारा गिनती का मुतालबा। ओवर बिलिंग के मामले पर डिस्कोस के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, नेपरा का डिस्कोस को शो कॉज जारी करने का फैसला। हुक्काम का कहना है कि आइंदा चंद रोज में शो कॉज जारी करेंगे, मामला 1 माह के अंदर ही निपटा देंगे। पंजाब में नमूनिया के वार तेज, मजीद 6 बच्चे जाबहक, 865 नए केसेज सामने आए। लाहौर में 1 रोज में 188 केसेज रिपोर्ट। और अमेरिका में बर्फानी तूफान, रियासत कनेटिकट में शाहराएं बर्फ से ढक गईं, मामूलात जिंदगी मुअत्तल, दर्जनों परवाजें भी मनसूख। वेस्ट वर्जीनिया और न्यू इंग्लैंड में अलर्ट जारी, महकमे मौसमियात ने 6 से 10 इंच तक बर्फ पड़ने की पेशगोई कर दी।